अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नम्स टेस्ट 2022। ये नम्स स्टूडेंट्स के साथ साथ उन एमडी कैट एस्पायरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि हमारे पास नम्स और एमडी कैट का जो सिलेबस है वो तो तकरीबन सेम ही है, ठीक है। और हमारे पास टेस्ट पैटर्न भी तकरीबन सेम ही होता है, इसी तरह के एमसीक्यूज आपके पास एमडी कैट में भी आते हैं, ठीक है। सो एमडी कैट एस्पायरेंट्स भी इस टेस्ट को जो है वो देख सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। एमसीक्यूज इसी तरह के होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग अपने चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू नंबर वन है, कहते हैं कि विच ऑर्गेनेली वुड बी मोर अबंडेंट इन द सेक्रेटरी सेल्स। तो यार देखो, सेक्रेटरी सेल्स में हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है जो कि पैकेट्स बनाकर फर्दर जो है वो उसको एक्सक्रीट कर रहा होता है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर टू में कहता है द स्ट्रक्चर विच डिसअपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज। तो यार वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेल डिवीजन के दौरान हमारे पास जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर थ्री में कहता है द एंजाइम इट वी सिंथेसाइज इज लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ विच ऑर्गेनेल। तो यार देखो, एटीपी सिंथेसिस की बात कर रहा है, सिंथेटेज की। तो यार ऑब्वियसली यार एटीपी सिंथेसिस किसका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, ठीक है। सो वहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डैश आर द स्फेरिकल सैक्स सराउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेनिंग द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो यार वो आप लोगों के पास लाइसोसोम्स हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स का आपको पता है कि ये सिंगल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल होती है और उसमें हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर फाइव में कहता है एक्सेप्ट ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन द न्यूक्लियस हैज़ द क्रोमोसोम इन अ लूजली कॉल्ड स्टेट, जिसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू सिक्स में कहता है विद इन द न्यूक्लियस डैश आर मेड अप ऑफ या डैश आर मेड बाय द न्यूक्लियोलस। तो यार हमारे पास जो राइबोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर सेवन में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द सेल वॉल। तो यार सेल वॉल हमारे पास जो है वो इट्स अ परमीएबल मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर एट में कहता है व्हाट इज सेड दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल। तो यार हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एसिमेट्रिकल होती है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो दो सर्फेसेज होती हैं और दो हॉल्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोग बस एमसीक्यू नंबर नाइन है सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन डैश थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स टेक प्लेस बाय द एक्टिव एंड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो यार हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें हमारे पास जो है वो चार्ज पोर्स होते हैं, ठीक है। चार्ज पोर्स, उसकी वजह से हमारे पास मूवमेंट जो है वो काज हो रही होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर टेन में कहता है डैश पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल द फ्लूडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। तो यार हमारे पास जो लिपिड पार्ट होता है वो मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी को मेंटेन करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 11 में कहता है द ग्रुप ऑफ द राइबोसोम्स अटैच्ड टू द मैसेंजर आरएनए इज नोन एज द पॉलीसोम्स एंड दैट आर अटैच्ड कहता है कि द अटैचमेंट इज कंट्रोल्ड बाय। तो यार वो हमारे पास मैग्नीशियम आयंस होते हैं, अगर आप लोग बुक में देखो तो ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। फर्दर उसमें फिर स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स भी शो किए हुए हैं, तो उनके इन बिटवीन मैग्नीशियम आयंस होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 12 में कहता है एन ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू एनी चेंज एक्सटर्नल और इंटरनल, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्स कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 13 में कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेजर्स। तो यार हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है वो -70 एमवी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 14 में कहते हैं टच रिसेप्टर्स आर। तो यार मैं सीनियर कॉर्पसल्स आप लोगों के पास टच रिसेप्टर्स होते हैं। आप लोग एक चीज़ नोट कर रहे हो कि ये वो तकरीबन देखो उसी तरह के एमसीक्यूज़ हैं जिस तरह हम लोगों ने आप लोगों को जो है वो केएमयू कैट की प्रिपरेशन करवाई थी। तकरीबन आप लोग देख सकते हो लाइक हर जगह इसी तरह के एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। सो आप लोग जो है वो इसको इनको फॉलो करो, बेशक आप लोग अगर एमडी कैट एस्पायरेंट्स हो फिर भी। एमसीक्यू नंबर 15 में कहता है विच वन इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो यार आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। विटामिन को प्रोड्यूस करता है और हमारे पास वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है और हमारे पास लेकिन वो एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स नहीं कर रहा होता, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द अमीनो एसिड्स ये किसका फंक्शन है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। एमसीक्यू नंबर 16 में कहता है कि द फॉलोइंग पार्ट इज कॉमन इन बोथ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो यार आप लोगों को पता है कि फेरिंग्स हमारे पास जो है इट्स द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम।
नेक्स्ट आप लोग बस एम सी के नंबर 17 में कहता है हार्ट बीट इज़ नॉर्मली कंट्रोल्ड बाय, तो यार हमारे पास वो साइनो आर्ट्रियल नोड्स होते हैं, ऐसे नोड्स जिनको हम लोग पीस मेकरस भी कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोग बस एम सी के नंबर 18 है, कहते हैं द मेथड विच हेल्प्स इन डेवलपिंग द इम्यूनिटी अगेंस्ट द बैक्टीरिया, तो यार वो आई थिंक एंटीबायोटिक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने वैक्सीनेशन टिक किया हुआ है, मेरे ख्याल से ये एंटीबायोटिक्स होते हैं, आप लोग इसको चेक कर लें, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, यहाँ पर सी लगे हुए लेकिन आई थिंक ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर आप लोगों को एग्जैक्ट पता है तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। एम सी के नंबर 19 में कहता है नॉर्मल गेस्ट्रेशन पीरियड इन ह्यूमंस इज़ अबाउट डैश डेज, तो यार सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, 9 मंथ होते हैं ना, सो 9 को आप लोग 30 पर मल्टीप्लाई करो तो आप लोगों के पास 270 आ जाता है, तो आप लोग कह सकते हो 270 to 280, ठीक है। और यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग वॉइस को इग्नोर करें, मैं दोबारा से हॉस्टल में वापस आ गया हूँ और ये मसले मसाइल यहाँ पर चलते रहेंगे। एम सी नंबर 20 में कहता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर द फीमेल गैमेट्स इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी इज ओवुलेशन, कहते हैं द रिमेन्स ऑफ द फोलिकल स्ट्रेस द रिमेन्स ऑफ द फोलिकल सीक्रेट, तो यार ये आप लोगों ने जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा होगा, वो हमारे पास है प्रोजेस्टेरॉन जो है सीक्रेट करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एम सी नंबर 21 में कहता है इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ द रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो यार वो इनहेबिन होता है, ठीक है, जो रेट को जो है वो डिटरमाइन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन में, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एम सी के नंबर 22 में कहता है सर्विक्स इज द पार्ट ऑफ, सर्विक्स हमारे पास यूटेरस का पार्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एम सी के 23 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो हमारे पास जो हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है, वो हमारे पास ज़्यादा अबंडेंट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एम सी क्यू 24 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट जिसको हम लोग सुचर्स कहते हैं, तो यार हमारे पास ये जो सुचर्स होते हैं ये स्कल्स में होते हैं, यानी कि नॉन मूवेबल जॉइंट्स होते हैं या इमूवेबल जॉइंट्स हम लोग कहते हैं, वो सुचर्स होते हैं और ये स्कल बोन्स में होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एम सी क्यू 25 में कहता है किधर है, हाँ, विच इवन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो यार हमारे पास जो है वो आई मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो हमारे पास आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखो हमारे पास जो आई बैंड होता है वो शॉर्ट हो जाता है, एच जोन हमारे पास डिसअपियर हो जाता है और रेड लाइन्स हमारे पास जो है वो ये एक दूसरे के करीब हो जाती हैं, और यहाँ पर इसमें देखो ऑप्शन बी में लिखा है ए बैंड शॉर्टन, लेकिन ए बैंड हमारे पास ना वो शॉर्ट होता है ना लॉन्ग होता है, वो रिमेन सेम, ये आप लोग चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखो। ये आई थिंक लास्ट ईयर एम टी कैट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, मेरा जो टेस्ट था 27th को था, तो उसमें ये एम सी क्यू था, आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखो कि ए बैंड हमारे पास जो है वो ये कॉन्स्टेंट रहता है, ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, सिंपल एज दैट। एम सी नंबर 26 में कहता है स्मूथ मसल्स आर लॉन्ग एंड स्पिंडल शेप्ड विद डैश न्यूक्लियस पर सेकंड, तो यार वो हमारे पास स्मूथ मसल्स हमारे पास मोनो न्यूक्लिएटेड होते हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, हमारे पास वन न्यूक्लियस पर सेल होता है। नेक्स्ट आप लोग कहते हैं ब्लड ग्रुप विच इज़ नोन एज अ यूनिवर्सल डोनर, तो यार यूनिवर्सल डोनर हमारे पास ओ है, ठीक है, ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट हमारे पास कौन सा है, ए बी, ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है 28 विच वन कैन बी कंसिडर्ड एज अ लिविंग करेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, यार हमारे पास ऑप्शन ए बी और डी में हमारे पास ये नॉन लिविंग करेक्टर्स है वायरसेस के, जबकि हमारे पास म्यूटेट द जेनेटिक मटेरियल हमारे पास ये लिविंग करेक्टर है उसका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप लोगों को अगर याद हो तो ये मैंने केम यू कैट की जब आप लोगों को प्रिपरेशन करवा रहा था तो ये इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पर भी दिए थे। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है इसके नंबर 29 अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद द सिमिलर मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी विच कैन ब्रीड टुगेदर टू प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो उसको हम लोग यार स्पीशीज कहते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एम सी नंबर 30 में कहते हैं इफ द ऑक्सीजन इज अवेलेबल द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज प्रोड्यूसेस द डैश एटीपीज मॉलिक्यूल इन प्रोकैरियोट्स, तो यार वो 40 एटीपीज जो है वो प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोग पास एम सी नंबर 31 है, कहते हैं कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो यार हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन और रिड्यूस्ड एनएडीपी, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एम सी नंबर 32 में कहते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस वाटर एक्ट एज, यार आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारे पास जो वाटर होता है वो एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर एक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोटॉन एक्सेप्टर एक्ट करती है। अब नेक्स्ट एम सी क्यू में ये चीज़ सेम उसने पूछी है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट वर्क्स एज एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर एक्ट करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एम सी क्यू 34 में कहता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल इज, तो यार हमारे पास केल्विन साइकिल का एंड प्रोडक्ट हमारे पास ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट होता है, सेम एंड प्रोडक्ट भी है और सेम स्टार्टिंग प्रोडक्ट स्टार्टिंग वो भी है मटेरियल, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोग पास एम सी क्यू 35 में कहते हैं
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन द अमीनो एसिड्स? यार अमीनो एसिड्स हमारे पास किधर होता है? प्रोटीन्स में होता है ना। ऑप्शन ए को देखो, ये ग्लूकोज है। ऑप्शन सी भी हमारे पास ग्लूकोज है। ऑप्शन डी हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है ये आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा। तो हमारे पास जो है वो, अगर आप लोग कोलेजन को देखो, कोलेजन इज अ प्रोटीन, तो इसमें हमारे पास अमीनो एसिड होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 36 में कहता है हाइड्रोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ द पॉलीमर इनटू इट्स मोनोमर्स बाय द एडिशन ऑफ वाटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 37 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट? तो ये हमारे पास जो लैक्टिक एसिड होता है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। बाकी हमारे पास ये सारे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एमसीक्यू नंबर 38 में कहता है ड्यू टू इट्स हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज। यार हमारे पास वो एज एन कूलिंग एजेंट एक्ट करता है, ठीक है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन जो उस वाटर की होती है, ठीक है, उसका रोल कूलिंग एज एन कूलिंग एजेंट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 39 में कहता है विच मॉलिक्यूल डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स? तो यार हमारे पास जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये चीज़ें देखो वहाँ पर मामले में लोगों ने पढ़ा ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने सुना है कि उसमें न्यूक्लियर प्रोटीन्स या ऐसी चीज़ें होती हैं? नहीं होती। न्यूक्लियस की हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। इट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 40 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वुड यील्ड द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस? तो यार सुक्रोज हमारे पास जो है वो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज देता है। आप लोगों को बाकी ये माल्टोज का और लैक्टोज तो का भी पता होना चाहिए। मे भी हो सकता है कि आप लोगों का जो एम डी कैट है उसमें इसमें से क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट आप लोग पास है जी एमसीक्यू नंबर 41। कहते हैं कि द टर्मिनल एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड, उनको हम लोग यार टीलोमर्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू 42 में कहते हैं द गैप बिटवीन द न्यूरॉन्स एट अ साइनैप्सिस, तो उसको हम लोग साइनैप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो यार कितने आसान आसान एमसीक्यूज हैं। इस तरह से एमसीक्यूज होते हैं, आप लोगों ने जस्ट थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, ठीक है। आप लोग इसी तरह के एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप लोगों का जो एमडी कैट होगा वो भी इंशाल्लाह जो है वो इसी तरह आसान होगा। एमसीक्यू नंबर 43 में कहते हैं विच पार्ट ऑफ द ब्रेन द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन बींग्स? तो यार हाइपोथैलेमस हमारे पास है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 44 में कहते हैं अ लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ द नर्व सेल इज कॉल्ड, तो यार वो एग्जाम्स होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू 45 में कहते हैं विच इज अ स्टेरॉयड हार्मोन, जो आप लोगों के पास जो कॉर्टिसोन होता है इट्स अ स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू 46 में कहते हैं द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वेइंग द मैसेज फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट, तो यार हमारे पास वो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 47 में कहते हैं विच एंजाइम्स वर्क इन एल्कलाइन पीएच, तो यार आप लोगों के पास जो पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है इसकी हमारे पास जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि इट वर्क्स ऑन द अल्कलाइन पीएच। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू 48 में कहते हैं कंसीडरिंग एंजाइम एक्शन मिनिमम टेम्परेचर इज द टर्म यूज्ड व्हेन, तो यार हम लोग मिनिमम टेम्परेचर उस वक्त जो है वो ये टर्म यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो है वो इनएक्टिव एंजाइम हमारे पास जो है वो रीएक्टिवेट हो रहा होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू 49 में कहते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिशन, यार ऑप्शन ए हमारे पास ये जो है ना मेलोनेट, ये कम्पेटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है। सो ये गलत ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन बी को देखो एंजाइम शेप डिस्टॉर्टेड, तो यार ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है फॉर द नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। उसमें जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं होती उसकी शेप। एमसीक्यू 15 में कहता है कि विच टाइप ऑफ एंजाइम वुड बी मोस्ट एक्टिव इन यूर गट्स आफ्टर ईटिंग द लॉफ ऑफ ब्रेड, तो यार एमाइलेज हमारे पास जो है वो एक्शन अपना शो करता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू 51 में कहता है ही प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो वो डार्विन ने पुट की थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू 52 विच इज़ नॉट अ मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडी, तो यार हमारे पास एंटीबॉडी का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो न्यूट्रलाइज करता है एंटीजन को, ठीक है, प्रेसिपिटेट करता है एंटीजन को, वो एनहेंस करता है फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी को, लेकिन वो साइटोकिन्स को स्क्रीट नहीं कर रहा होता। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 53 मैग्नीशियम इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, तो यार वो क्लोरोफिल में हमारे पास जो है वो होता है। सो मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 54 इसमें कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज़ नो कार्टिलेज, तो यार ब्रंक्यूल्स में कार्टिलेज नहीं होते, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
Hepsinogen 55 में कहता है एंजाइमेटिक पोर्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेटेड बाय विच म्यूकोसल सेल। तो यार वो हमारे पास जो चीफ सेल्स होते हैं वो हमारे पास गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो सीक्रेट करते हैं, ठीक है, म्यूकोसल सेल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हेप्सिनोगन 56 में कहता है अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। जिसमें देखो हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ आ जाता है ना वन कंप्लीट साइकिल में, और क्रस्ट और ट्रफ को ओवरऑल हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हेप्सिनोगन 57 में कहता है इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मास एम इज किधर है, यह है सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज वन सेकेंड देन द पीरियड ऑफ द 16 एम विल बी द वेव लेंथ ऑफ। तो यार इट इज़ अ वेरी सिंपल, आप लोगों ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एम ओवर के, ठीक है। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, एम की जगह जो है वो 20 पुट कर लेना है, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 20 हमारे पास 4 के इक्वल आता है, सो 4 ऐसा आप लोगों के पास जो है वो आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट्स वेरी सिंपल। हेप्सिनोगन 58 में कहते हैं लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यार वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। ये चीज़ आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी हुई थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हेप्सिनोगन 59 में कहता है द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर फॉर ईच डिग्री राइज अबव द 0 degree। तो यार हमारे पास 0 degree के अलावा जब हमारे पास चाहे वो टेम्परेचर 1 degree राइज होता है तो यार उसमें हमारे पास चाहे वो जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 0.61 मीटर सेकंड की रफ्तार से जो है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट्स अ वेरी सिंपल। आप लोगों की बुक में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, एज इट इज़ यहाँ पर उठा के दी हुई हैं। एमसीक्यू नंबर 60 में आप लोगों से कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड अपॉन, तो यार इट इज़ अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों का एमसीक्यू नंबर 61 कहता है कि द थर्मोडायनामिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच द प्रेशर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट, तो यार आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारे पास प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 60 में कहता है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज गिवन बाय, तो यार हमारे पास वो इज इक्वल टू 1/2 CV² होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 63 में कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यार वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 64 इट स्टोर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास जो कैपेसिटर होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो स्टोर करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 65 में कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट एंड मेटल इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज केप्ट कॉन्स्टेंट, बेसिकली इट इज द स्टेटमेंट ऑफ, तो यार ये हमारे पास ओम लॉ की स्टेटमेंट है, वी इज इक्वल टू आई आर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोग पास एमसीक्यू नंबर 66 है, कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द पेयर मेटल इंक्रीजेस विद, तो यार हमारे पास जो पेयर मेटल की रेजिस्टेंस होती है हमारे पास वो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पर वो जो है वो सेमी कंडक्टर्स की बात करें तो वो डिक्रीज होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 67 में कहता है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग वायर वेरीज, तो यार वो हमारे पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के साथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोग पास एमसीक्यू नंबर 68 है द मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया इज, तो यार देखो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इट इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा, तो यार हमारे पास जो कॉस, जब कॉस की वैल्यू जीरो होगी तो ओवरऑल हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स हो रही जो है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉस ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, सो फाइ इज इक्वल टू बी ए, सिंपल इज दैट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 68-69 में कहते हैं लेंस लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो यार लेंस लॉ भी हमारे पास है वो एनर्जी पर जो है वो एनर्जी के लॉ पर कंजर्व होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 670 में कहता है इन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द थंब इंडिकेट्स, तो यार थंब हमारे पास है वो फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ जो है वो इन एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लोग जो है वीडियो की स्पीड को जो है वो स्लो करके भी देख सकते हो, या अदरवाइज अगर आपको लगता है कि लाइक मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड को फास्ट करके भी देख सकते हो। मैं ऐसे में कोशिश करता हूँ कि लाइक जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इसमें इतना ऐसा है कुछ भी नहीं है, ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। लेकिन वैसे टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आप लोग कुछ ना कुछ सीख ही रहे हो। एमसीक्यू नंबर 71 कहता है ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो यार म्यूचुअल इंडक्शन पर जो है वो बेस करते हैं, वो ये चीज़ें हैं जो आप लोग 9th-10th में पढ़ते आए हो। एमसीक्यू नंबर 72 में कहता है अ डिवाइस डैट कन्वर्ट्स एसी टू एसी इनटू डीसी, तो यार वो डायोड होता है जिसको हम लोग रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। एमसीक्यू 73 में कहता है द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू द डायरेक्ट करंट, तो वो रेक्टिफिकेशन होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 74 में कहता है वन ग्रे आई, ठीक है, जी वाई स्टैंड फॉर ग्रे इज इक्वल टू, तो
यार, 1 gray इज इक्वल टू हमारे पास होता है जाउल पर किलोग्राम। अब ये केपी के स्टूडेंट्स जो होंगे उनको नहीं पता होगा कि ये क्या होता है, क्योंकि ये हमारे पास आई थिंक पंजाब की बुक में है या फेडरल की बुक में, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये केपी की बुक्स में नहीं है। तो यार लेकिन फिर भी आप लोग ये चीज़ अपने ध्यान में रख लो कि बेसिकली हमारे पास ये जो 1 gray होता है, ये GY इट स्टैंड फॉर ग्रे, और 1 gray इट इज़ द यूनिट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन डोज। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन डोज का यूनिट होता है। अब व्हाट इज़ आयोनाइजिंग रेडिएशन डोज? बेसिकली इट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 joule ऑफ रेडिएशन। द एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 joule ऑफ रेडिएशन को हम लोग जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन डोज कहते हैं, और इसका यूनिट हमारे पास जो है वो क्या होता है, 1 gray होता है, जिसको हम लोग GY से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन उसने पूछा कि 1 gray इज इक्वल टू, यार हमारे पास 1 gray जो होता है हमारे पास जूल पर किलोग्राम के इक्वल होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 75 में कहते हैं 32 kg रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके एंड रिमेन्स 2 grams आफ्टर द 60 days। कहते हैं कि व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट? तो यार आप लोग पहले क्या करोगे, 32 को डिवाइड करते जाओगे, उस वक्त तक आप 32 को 2 पर डिवाइड करोगे जब तक आपके पास 2 आंसर नहीं पहुँचाएगा। तो आप पहले 32 को डिवाइड करोगे 2 के पास, आप लोगों के पास 16 आएगा, फिर 16 को 2 पर डिवाइड करोगे आप लोगों के पास 8 आएगा, फिर 8 को आप लोग 2 पर डिवाइड करोगे आप लोगों के पास 4 आएगा, फिर 4 को आप लोग 2 पर डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास 2 आ जाएगा। अब देख लो आप लोगों ने कितनी इसको हाफ किया, 4 times हमने इसको हाफ किया तब जाकर हमारे पास 2 आया। तो अब आप लोगों के पास उसने देखो 60 days दिए हुए हैं, आप लोग क्या करोगे इन 60 days को 4 पर डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास 15 days आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, इसमें देख सकते हो लाइक बहुत ज़्यादा आसान जो है वो ये टेस्ट है। एमसीक्यू नंबर 76 में कहते हैं एन इलास्टिक कोलिजन इज़ द वन विच इज़ कैनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज़ कंजर्व। तो यार हमारे पास जो इलास्टिक कोलिजन होती है उसमें हमारे पास कैनेटिक एनर्जी और हमारे पास मोमेंटम जो है वो दोनों कंजर्व होते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 77 में कहता है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यार रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, ऑप्शन बी इज। नेक्स्ट आप लोगों के पास एमसीक्यू नंबर 78 है, कहते हैं इन प्रोजेक्टाइल मोशन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ। तो यार वो 45 degree पर हमारे पास मैक्सिमम होता है, ये क्लियर कट आप लोगों की बुक में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। एमसीक्यू नंबर 79 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन हैव सेम नेचर, एक्शन एंड रिएक्शन हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। तो यार ये तीनों स्टेटमेंट्स आप लोगों के पास करेक्ट थी, लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन डी को देखो कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन कैन कैंसिल ईच अदर, तो नहीं यार वो कैंसिल नहीं करते। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ नॉट ट्रू। एमसीक्यू नंबर 80 में कहते हैं टू बसेस मूविंग एट 100 km/h एंड 20 km/h रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया, कहते हैं क्रॉस ईच अदर वाइल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ द वन बस रिलेटिव टू अदर बसेस। तो यार हम लोग जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी पता है किस तरह फाइंड करते हैं, जैसे सिंपल आप लोग दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ को ऐड कर लो। अब यहाँ पर हमारे पास 100 + 80 ऐड हो जाएंगे तो आप लोगों के पास 180 km/h आंसर आ जाएगा। देखो कितने आसान है, देखने में ये मुश्किल लग रहा था, मैंने खुद भी जब इसे देखा तो ये चीज़ मुझसे सॉल्व नहीं हो रही थी। ठीक है, हालाँकि इक्वेशंस बहुत ईजी होते हैं। एमसीक्यू नंबर 81 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंगल्स हैज द सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो यार आप लोग बस जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है, उनके लिए हमारे पास जो है वो रेंज सेम होती है। सिंपल आप लोग इन सारे ऑप्शंस का सम ले लो, जिसका आंसर 90 आता है आप लोग उसको आंखें बंद करके टिक कर लो, ऑप्शन बी का सम देखो तो 90 आता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आप लोग बस एमसीक्यू नंबर 82 में कहता है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। तो यार वो 76 पर हमारे पास इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पर 76 का ऑप्शन नहीं है तो हमारे पास जो मोस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो है 70, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, समटाइम आप लोगों को इस तरह से कंफ्यूज करते हैं। एमसीक्यू नंबर 83 में कहता है द एक्सप्लोजन ऑफ द एक्सप्लोजिव मटेरियल इज एप्लीकेशन ऑफ। तो यार हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 84 में कहता है 1 horsepower इज इक्वल टू, तो 1 horsepower इज इक्वल टू 746 watts। ये आप लोगों ने वैल्यू याद करनी है, आगे जाकर आप लोग इसी वैल्यू के रिलेटेड आप लोग एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आप लोग याद रखो कि 1 horsepower इज इक्वल टू 746 watts, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 85 में कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी। तो यार पावर का ये डेफिनेशन है, ठीक है, पावर हमारे पास फोर्स एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होती है समटाइम्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है एमसीक्यू नंबर 86 1 kWh इज इक्वल टू। तो यार आप लोगों के पास जो 1 kWh होता है वो 3.6 megajoule की इक्वल होता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 87 में कहता है द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन मूविंग अ
a body at a certain point in a gravitational field to the position of the potential such that the body is never accelerated is called. तो यार उसको हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट आप लोग के पास एमसीक्यू नंबर 88 आता है, कहते हैं कि इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स. तो यार हमारे पास जब स्पीड डबल होती है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² है ना. अब वेलोसिटी डबल होगी तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 times होगी. अब यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन गलत मार्क किया हुआ है, इसमें ऑप्शन डी आता है, बी नहीं आता. ठीक है, एमसी नंबर 88 में कहते हैं द इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ द पावर 2 horsepower इज इंस्टॉल्ड इन एन इंडस्ट्रियल यूनिट. तो उसकी पावर कितनी होगी. ठीक है जी, आप लोगों ने फाइंड करना है एमसी नंबर 89. तो ये जो एमसी नंबर 89 है इसको आप अगर आप लोग देखो तो उसने आप लोगों को क्या दिया हुआ है, किधर है, एक मोटर है उसकी पावर दी हुई है. ठीक है, कहते हैं कि उसको हम लोग जो है वो इंडस्ट्रियल यूनिट में अप्लाई करते हैं. तो ओवरऑल वो पावर पूछ रहा है आप लोगों से. तो इट्स अ वेरी सिंपल, आप लोगों ने क्या करना है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है. देखो 2 है ना हमारे पास, 2 horsepower है, तो उसको जैसे सिंपल आप लोग मल्टीप्लाई कर लो 746 के साथ, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, आप लोग जब 2 को 746 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास 1492 आंसर आएगा. 1492 को उन्होंने राउंड ऑफ करके यहाँ पर ऑप्शन में 1500 दिया हुआ है. सो आप लोगों के पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1500. जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 746 के साथ. ठीक हो गया. एमसीक्यू नंबर 90 में कहते हैं 118 इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास 118 इज इक्वल टू 57.3 degree, ऑप्शन सी इज करेक्ट. एमसीक्यू नंबर 91 में कहते हैं द मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू पुट अ सैटेलाइट इन टू द ऑर्बिट. तो यार हमारे पास वो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, ठीक है, इन टू द ऑर्बिट. अब क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट्स ने यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी नहीं है. अगर आप लोग गूगल पर सर्च करो कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द एस्केप वेलोसिटी एंड क्रिटिकल वेलोसिटी, तो आप लोगों को खुद बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली में डिफरेंस क्या है. यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, बेसिकली इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट आप लोगों को एमसीक्यू नंबर 93 में कहता है, सॉरी 92 में कहता है रोटेटिंग व्हील कंसाइड्स 12 रेवोल्यूशंस इन 4 seconds. कहते हैं कि फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड. तो यार देखो रेडियन पर सेकंड का पूछ रहा है और उसने आप लोगों को जो है वो रोटेटिंग व्हील की जो कंसाइड कर रहा है वो रेवोल्यूशन की फॉर्म में दिया हुआ है. मींस आप लोगों ने क्या करना है, पहले इस रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करना है. अब यहाँ पर सबसे मेन काम यही है कि रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं. बाकी तो सिंपल है, जस्ट 2 values हैं उनको डिवाइड करो तो आपके पास आंसर आएगा. लेकिन जो मेन चीज़ है वो आप लोगों ने क्या करना है, रेवोल्यूशन को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट सिंपल हम लोग उसको 2π के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. जब आप 12 को 2π के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास 75.36 आंसर आएगा. तो अब आप लोगों ने जस्ट सिंपल 75.36 को क्या करना है, 4 पर डिवाइड करना है और आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा. इस क्वेश्चन में मेन चीज़ ये थी कि आप लोगों को रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करना आता हो, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है. ठीक हो गया, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. एमसीक्यू 93 में कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस द सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इज. तो यार हमारे पास वो सेंटर की तरफ ही होती है, ऑब्वियसली सेंट्रिपेटल फोर्स की बात कर रहे हैं. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट आप लोगों का एमसीक्यू नंबर 94 में कहता है क्रस्ट ऑफ द वेव एक्ट्स एज. यार क्रस्ट एज अ कन्वेक्स लेंस एक्ट करते हैं और आप लोगों के पास जो ट्रफ होता है एज अ कॉनकेव लेंस एक्ट कर रहा होता है. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट आप लोगों का एमसीक्यू नंबर 95 आता है, कहता द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन. तो यार वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट आप लोग पास इंग्लिश का पोर्शन आ जाता है, कहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी को देखो, ही हैड नो वरीज, हिज पेंशन वाज एडिक्वेट एंड देयर वाज लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. एमसीक्यू 97 में कहते हैं आइडेंटिफाई द एरर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी को देखो, देर इज मिस्टर हाशिम हु दे से इज द बेस्ट पेट्रोट पेंटर इन द टाउन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट आप लोग के पास जो है वो एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 98, अ फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कार एक्सीडेंट्स वाज रिपोर्टेड. ठीक है, पास्ट हुआ टेंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट. एमसीक्यू 99 में कहता है अहमद डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, अहमद नोज मी, ठीक है, फॉर द लॉन्ग टाइम. एमसीक्यू नंबर 100 में कहते हैं ही इज़ अप्रिशिएटेड फॉर बीइंग द
ambidextrous. The underlined word means ambidextrous. हमारे पास ये यूज्ड है फॉर बोथ हैंड्स फॉर द सेम स्किल्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. एम स्किल नंबर 101 में कहता है ही विजिटेड द गेटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम. द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स गेटर्स का मतलब होता है अंडर द प्रिविलेज्ड एरिया. ऑप्शन बी इज करेक्ट. एम स्किल नंबर 102 में कहता है माई फ्रेंड हैज़ अ फाइन डैश ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स. तो माई फ्रेंड्स हैज़ अ फाइन कलेक्शन ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कलेक्शन ऑफ ओल्ड स्टैम्प. नेक्स्ट एम स्किल नंबर 103 में कहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो अगर आप लोग ऑप्शन डी को दोगे एवरी वन ऑफ द प्रेजेंस इज फुल. ऑप्शन डी इज करेक्ट. एम स्किल 104 में कहते हैं द हेडमास्टर डैश टू स्पीक टू यू. द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू. ऑप्शन ए इज करेक्ट. एम स्किल नंबर 105 में कहते हैं नॉलेज एंड विजडम डैश नो टाइम फॉर कनेक्शन. तो यार नॉलेज एंड विजडम हैव नो टाइम फॉर कनेक्शन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. एम स्किल नंबर 106 में कहते हैं ईच ऑफ थ्री बॉयज loves to write. Option A is correct. ठीक है, LOVES. MCQ 107 में कहते हैं चूज द करेक्टली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस. तो ये अगर आप लोग ऑप्शन बी को देखो मिस्टर शॉन टुगेदर विद हिज फैमिली गोज टू इंग्लैंड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट आप लोग MCQ 108 है आइडेंटिफाई द एरर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी को देखो द इंग्लिश मैन थिंक्स दैट ही एंड हिज कंट्री आर द बेस्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. एम स्किल 109 and 110 ये इसमें आप लोगों ने जो है वो करेक्ट स्पेलिंग जो है वो चूज़ करनी है. एपरेटस की करेक्ट स्पेलिंग हमारे पास AAPARATUS होती है और आप लोगों के पास जो है वो मर्सनरी की MERCENARY. ऑप्शन सी इज करेक्ट इन एम स्किल 110. नेक्स्ट आप लोगों के पास जो पोर्शन आता है वो केमिस्ट्री पोर्शन है. तो इसको देख लेते हैं. हमारे पास इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एम स्किल नंबर 111 है. कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अ कोवेलेंट इन नेचर. तो यार अगर आप लोगों को फॉजन रूल अप्लाई करना था तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इज अ कोवेलेंट इन नेचर. और NaCl MgCl थी Cl3 एंड KCl ये हमारे पास आयोनिक इन नेचर होते हैं. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 112 विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन अल्कली मेटल्स. तो यार रिएक्टिविटी आप लोगों के पास जो है वो इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप क्योंकि हमारे पास चाहे वो साइज इंक्रीज़ हो रहा होता है लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों के पास डिक्रीज हो रही होती है. 113 में कहते हैं डिसॉल्वेबिलिटी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो वो हमारे पास जो है वो डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 114 में कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय. तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है वो एल्कीन्स शो करती हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट. 115 में कहते हैं बेंजीन कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फिनोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस. तो जब हम लोग जो है वो उसकी रिडक्शन करवाते हैं जिंक के साथ. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. 116 में कहते हैं ल्यूकास टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ. तो यार वो हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट आप लोग पास 117 में कहते हैं फिनोल हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो यार आप लोग के पास जो फिनोल होता है वो हमारे पास जो है वो कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है और वो डेलिक्वेसेंट लिक्विड सॉलिड होता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. एम सी क्यू 118 बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एम सी क्यू है. कहते हैं सिनेजरो रिएक्शन इज गिवन बाय. तो यार हमारे पास ये फॉर्मल्डिहाइड्स है वो सिनेजरो रिएक्शन दे रहे होते हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 119 में कहते हैं द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द कीटोन्स इज. तो सोडियम नाइट्रो फोसाइड टेस्ट हमारे पास है वो ये कीटोन्स के लिए होता है. बाकी ये हमारे पास जो तीनों टेस्ट हैं ये एल्डिहाइड के लिए होते हैं. ऑप्शन सी इज करेक्ट. एम सी क्यू 120 में कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द वाटर सोल्युबल बिकॉज. क्योंकि हमारे पास हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये वाटर सोल्युबल होते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट आप लोग के पास आता है 121 विच वन ऑफ द फॉर्मिंग रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन फॉर द आइडियल गैस. सो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 122 कहते हैं कि हाउ शुड द कंडीशंस बी चेंज्ड टू प्रिवेंट द वैल्यू ऑफ द गिवन गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग व्हेन इट्स मास इज इंक्रीज्ड. कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कोई चीज़ है, गैस है कोई भी, उसका हम लोग जो है वो कहते हैं कि वो उसका जब हम लोग मास जो है वो इंक्रीज़ करते हैं तो वो एक्सपेंड होती है. कहते हैं कि इस एक्सपेंशन को जो है वो कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे. तो यार एक्सपेंशन को कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे और प्रेशर को भी इंक्रीज़ करोगे. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. वेरी सिंपल. 123 में कहता है विच वेरिएबल मेंशन्ड इन द आइडियल गैस इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट इन अदर गैस लॉस.
नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग चाहे वो कॉन्स्टेंट एज्यूम करते हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट. 124 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो अ हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन. एसीटोन का इवेपोरेशन रेट हाई होता है, ठीक है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 125 में कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज, तुम्हारे पास 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन होता है, सॉरी हाँ केल्विन नहीं सेंटीग्रेड. ऑप्शन ए इज करेक्ट. एमसीक्यू नंबर 126 में कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड इज मोस्टली रेज्ड बाय, तो यार मेरे इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है या राइज कर जाता है, ठीक है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 127 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सब्सटेंस इन वाटर. तो यार वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास जो पोलर होता है लाइक इज आर लाइक, ये हमारे पास वाटर की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करता है ये फिनोमेना. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 128 में कहता है नेचर ऑफ द डायमंड एज, तो यार हमारे पास डायमंड होता है इक्विवेलेंट नेचर होता है, ठीक है. इक्विवेलेंट क्रिस्टल होता है ये. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 129 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एज लाइट एज अ फीदर एंड एज स्ट्रॉन्ग एज द आयरन. तो यार अपने पास जो ग्रेफाइट होता है ये लाइक एक तो बहुत लाइट होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 130 में कहता है द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज 7.35 टू 7.45, अल्कलाइन नेचर होती है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. एमसीक्यू 131 में कहता है प्रोटॉन नंबर ऑफ सोडियम उसने दिया हुआ है, तो यार हमारे पास ये जो नीचे बेस में जो चीज़ लिखा होता है इसको हम लोग प्रोटॉन नंबर कहते हैं. सो 11 इज़ अ प्रोटॉन नंबर, ठीक है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. एमसीक्यू नंबर हमारे पास 132 में कहता है वन मोल ऑफ द इथेनॉल एंड वन मोल ऑफ द इथेन हैव इक्वल, उसमें हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है. इट्स वेरी सिंपल, सॉरी मोल्स कह रहा हूँ, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट. 133 में कहता है फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द केमिकल कंपाउंड, यार उसमें हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन पहले फाइंड करते हैं हर एक एलिमेंट की, ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो जो सबसे कम होती है उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं सब पर. तो हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट है कि हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट जो है वो फाइंड करते हैं. 134 में कहते हैं द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज, यार नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होता है, इट इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास. मास आपको गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास पुट करो डिवाइड करो आप लोग के पास आंसर आ जाएगा. 135 में कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मास इन कार्बन डाइऑक्साइड, यार इट्स वेरी सिंपल, आप लोग पहले क्या करोगे अब हाल इस मॉलिक्यूल का मोलर मास फाइंड करोगे, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32 प्लस 12 हमारे पास ओवरऑल 44 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का. आप लोग क्या करोगे पहले 12 को 44 पे डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई 100 करोगे, फिर उसके बाद 32 को 44 पे डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई 100 करोगे, तो आप लोगों के पास कार्बन और ऑक्सीजन की जो है परसेंटेज आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में. सो ऑप्शन अगर आप सी को देखो तो ये आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि इट्स वेरी सिंपल. नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है एमसीक्यू नंबर 136. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्लेस इन द पी सब शेल, तो यार वो 6 होते हैं, एस में हमारे पास 2 होते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर उसने जो है वो पी का पूछा है तो पी में हमारे पास 6 होते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 137 में कहते हैं अप्लाई एन प्लस एल रूल एंड कैलकुलेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज द मैक्सिमम एनर्जी, यार आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखो. अब ये देखो 4s लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 क्या इंडिकेट कर रहा है, 4 इज द वैल्यू ऑफ n, 2p में हमारे पास n की वैल्यू 2 होगी, 3d में हमारे पास n की वैल्यू 2 होगी. देखो जस्ट ये जो बेस में ये वैल्यू लिखी हुई है ना, ये ऑप्शन ए में एस से पहले, ऑप्शन बी में पी से पहले, ऑप्शन सी में डी से पहले और ऑप्शन डी में हमारे पास जो है वो एस से पहले, तो यार हमारे पास ये एन की वैल्यू को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है. अब एन तो हो गया, हम लोगों ने एन प्लस एल रूल जो है वो इस पर अप्लाई करना है ना. अब एन की वैल्यू हमें पता चल गई, अब एल की कैसे पता चलेगी, तो यार हमारे पास जो एन होता है सॉरी एल होता है, एल हमारे पास इक्वल टू एन माइनस वन, ठीक है. आप लोग जस्ट क्या करोगे, अब देखो 4s, तो यार सिंपल आप लोग इसमें 3 पुट करोगे तो इसमें से लाइक इट्स अ वेरी सिंपल. एमसीक्यू 138 में कहते हैं द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो यार हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 1386 टाइम्स लेस होता है देन दैट ऑफ प्रोटॉन, ठीक है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू 138 में कहते हैं द शेप ऑफ एन ऑर्बिटॉल इज डिटरमाइंड बाय विच क्वांटम नंबर, तो यार एज मतलब क्वांटम नंबर हमारे पास डिस्क्राइब करता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई सॉरी एल. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट टाइम स्क्रीन 140 में कहता है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द डीजनरेट ऑर्बिटल्स इज एक्सप्लेन बाय,
आरडी जनरेटर ऑर्बिटल्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो हंसटूल ने जो है वो एक्सप्लेन की थी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट आप लोग पास एमसीक्यू 141 में कहता है विच टर्म डिस्क्राइब्स द सॉल्यूशन इन विच द डिसॉल्व्ड सॉल्यूट इज इन द इक्विलिब्रियम विद द अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट. ये हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 142 में कहता है रेट ऑफ एनी रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, यार वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं. आप लोगों के पास ऑप्शन ए इज करेक्ट. 143 विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. यार वो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास उस पर अफेक्ट करते हैं. सो पहला ये ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है. बाकी तीनों ऑप्शन क्योंकि सर्फेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन. ऑप्शन ए आप लोगों के पास जो है वो ये रॉन्ग है, नॉट ट्रू है. ऐसे कैटलिस्ट का क्या अफेक्ट होता है, आई थिंक इसमें या तो ऑप्शन ए ठीक है या डी ठीक है. ये आप लोग कंफर्म करके मुझे बताओ आप कमेंट्स में. मेरे हाल में तो डी ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देखो. नेक्स्ट टाइम स्क्रीन 144 में कहता है एंथैल्पी चेंज ऑफ द कंबशन इज एक्सोथर्मिक बिकॉज, यार वो इसलिए एक्सोथर्मिक तो एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है ना बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो ग्रेटर होती है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 145 में कहते हैं वन कैलोरी इज इक्वलेंट टू वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 146 में कहते हैं द पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE इज ऑर्बिटरली टेकन एज, यार उसको हम लोग जीरो कंसीडर करते हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट. MCQ 147 में कहते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोड से रिडक्शन ऑलवेज टेक प्लेस, रिडक्शन हमारे पास जो है वो कैथोड पर होती है और आप लोगों के पास जो ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड पर होती है. ठीक है, आप लोग इसको मैंने आपसे कहा था जब मैं आपको कैट की प्रिपरेशन करवा रहा था तो मैंने कहा था आप लोग इसको CR से याद करो. आप लोगों का जो क्लास में CR होता है ना क्लास रिप्रेजेंटेटर, कैथोड पर रिडक्शन होगी, आप लोग इसको CR से याद करो. आपको अगर एक चीज़ याद है तो दूसरी आप ऑटोमेटिकली जो है वो खुद बता सकते हो. यहाँ पर अब उसने रिडक्शन का कुछ है तो रिडक्शन हमारे पास कहाँ पर होती है, कैथोड पर होती है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 148 में कहते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ईथीन, ईथीन में SP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 149 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, अब यार पोलरिटी हम लोग किस तरह लाइक वो डिटरमाइन कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल की. आप लोग जस्ट क्या करोगे, उस मॉलिक्यूल का लीविंग स्ट्रक्चर ड्रा करोगे. ठीक है, अगर उसमें हमारे पास वो डाइपोल मोमेंट जीरो हुई तो वो नॉन पोलर होगा, अगर डाइपोल मोमेंट जीरो ना हुई तो वो पोलर होगा. आप लोग जो है वो यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास HCl होता है, इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल. ऑप्शन डी इज करेक्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट MCQ 150 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज, तो यार वो इसलिए हमारे पास डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप कि हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज कर रहा होता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. यार ये था आप लोग पास नम्स का टेस्ट 2022. जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर योर MDCAT, क्योंकि MDCAT का भी सिलेबस भी यही है, पैटर्न भी यही होता है, MCQs टाइप्स भी यही होती हैं. ठीक है, तो आप लोग जो है वो MCQs को एज अ प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो. ठीक है, ये तो आप लोग पास नम्स 2022. कोई गलती हो तो वो हम लोग कह सकते हैं कि एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड. इसकी से मुझे जो 2-3 MCQs गलत लगे वो मैंने आपको बता दिए थे. ठीक है, बाकी अगर हाँ मेरी नज़र में कोई रह गया हो तो आप लोग करेक्ट कर लेना. ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स फिर देख लें. कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशंस, कोई रिकमेंडेशंस, कोई क्वेरीज, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ भी सकते हो, बता भी सकते हो. और आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी बता सकते हो कि हमें नेक्स्ट टेस्ट कौन सा एक्सप्लेन करना चाहिए. ठीक है, थैंक यू.